साथियों नमस्कार। अब तक हमने जो चर्चाएं की हैं, आज तक इसके पूर्व जितने भी वीडियोस हमने बनाए, जितने भी अपलोड्स किए हैं और जितनी भी चर्चाएं हमने की है, उन चर्चाओं में मुख्य बिंदु या मुख्य विषय हमेशा किसी न किसी रूप में भारत से संबंधित रहा है। चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या कोई और भी मुद्दा रहा हो, या कोई और भी विषय रहे हों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, निसंदेह ये इसमें भारत और भारत रहेगा ही रहेगा, भारतीय रहेंगे ही। लेकिन आज की चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देते हुए एक ऐसी सारगर्भित विस्तारित चर्चा हम करें जिसमें थोड़ा सा हम भारत से हटकर कुछ और भी बाहर निकल सकें, या भारत की सीमाओं से निकलकर एक ऐसी ऐसे प्रदेश की या ऐसे संघ की भी बात करें जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत ही मौलिक संबंध भारतीय संघ से रहा है। साथियों, आज हम दो संघों की बात करेंगे और इन दो संघों की चर्चा इसलिए करनी आवश्यक है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इन दोनों संघों के बीच में ऐसी क्या व्यवस्थाएं रहीं, या भविष्य में, भूत में और वर्तमान में ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से ये दोनों संघ एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, या महत्वपूर्ण रहे हैं, या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भूतकाल में भी महत्वपूर्ण रहे हैं, वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, और भविष्य में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जिनके कारण इन दो संघों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संबंध है, या संबंध स्थापित हो गया है या है, जो भी हम जिसे जिसको हम जिस रूप में भी देखना चाहें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संघ की और यूरोपियन संघ की। तो आज इन दोनों संघों को लेकर के एक ऐसी तुलनात्मक अध्ययन आज हम करें, तुलनात्मक चर्चा करें, जो व्यावहारिक भी हो और अंतर्भेदी भी हो, कंप्लीट भी हो और इंट्रोस्पेक्शनल भी हो, इंट्रोस्पेक्टिव एक कंपैरिजन को प्रेजेंट करे, एक ऐसे आत्मावलोकन को प्रेजेंट करें, को सामने लाए जिसके कारण हम समझ सकें कि भारतीय संघ और यूरोपियन संघ के बीच में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी, या ऐसी क्या घटनाओं को जन्म दिया गया पिछले 200-400 वर्षों के दौरान जिसमें ये दोनों संघ एक दूसरे के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि 200-250 वर्षों से यूरोपियन संघ के देशों ने इस देश पर शासन किया। अगर शासन की बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने किया। लेकिन जब 250-300 वर्षों पहले यूरोप के लगभग सभी देश, या यूरोपीय देशों में अगर हम बात करें तो लगभग सभी देश के लोग भारत की ओर हमेशा मुंह ताके रहते थे। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि पूरे विश्व के रूलर, या पूरे विश्व के व्यवसायी, या पूरे विश्व के निवासी या शासक भारत की ओर लालच भरी नजरों से देखते थे। और इसका परिणाम यह होता था कि कोई ना कोई हर समय भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचता रहता था। जैसा कि हमारा इतिहास, पिछले 1000 वर्षों का इतिहास बताता है। और इसी का परिणाम ये रहा कि कई लोग आए, कई शासक, विदेशी शासक आए, भारत पर आक्रमण किया, इसे लूटा, खसोटा और यहाँ की संपत्ति को बाहर ले गए। और कई लोगों ने इसे अपना घर भी बना लिया, होम भी बना लिया, या कहें कि इसको अपना लिया और यहीं पर शासक के रूप में भी रहे। जैसा कि एक एक वंश है, मुगल वंश, जिसे हम कह सकते हैं मुगल डायनास्टी, जिसने करीब लगभग 200-250-300 वर्षों तक भारत पर शासन किया। और उसके बाद जब मुगल शासन था, मुगल वंश का शासन था, तभी यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ के देश इस पर आक्रमण करने की बजाय की अपेक्षा यहाँ पर आए अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के संपत्ति, यहाँ के लोगों की अमीरी का फायदा उठाने के लिए। और चाहे चूंकि कहानियाँ उस समय ऐसी थी कि भारत काफी अमीर है, भारतीय काफी अमीर हैं, भारत काफी संपत्तिवान है, तो हर कोई यहाँ पर आने के लिए तत्पर रहता था। तो आज हम भारतीय संघ और यूरोपियन संघ, चूंकि ये दोनों एक ऐसा संघ है जो आपस में काफी एकजुट है, यूनाइटेड है, कई काफी सारी समानताएं भी हैं, काफी सारी असमानताएं भी हैं, बट इन सब के बावजूद ये दोनों संघ मौजूद है और शायद आगे भी रहेगा क्योंकि यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं, यहाँ के लोगों की जरूरतें एक समान है। भाषाएं अलग हों लेकिन कई मामलों में दोनों संघों के निवासियों की आपस में, मतलब अगर हम कहें भारतीय संघ के निवासी की और यूरोपीय संघ के निवासी की, तो विद इन द संघ, अगर संघ के सीमाओं के अंदर इन सब की अपेक्षाएं और जरूरतें काफी हद तक समान है, एक समान है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसको हम पूरी करें।
लगभग 200-300 वर्षों पहले यूरोपीय संघ के विभिन्न देश भारतीय संघ के विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार बढ़ाने हेतु अपने पांव पसारना चाह रहे थे। चूंकि भारत उस समय आर्थिक रूप से अत्यधिक सुदृढ़ था, काफी अमीर था, इसलिए विश्व के साथ साथ यूरोपीय संघ के देश भी इसका लाभ लेना चाहते थे। व्यापारिक संबंध स्थापित कर आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे यूरोपीय संघ के देश आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे विदेशी मुस्लिम शासक अब तक कर रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा में अंततः ब्रिटेन की विजय हुई और इसने लगभग 200-250 वर्षों तक भारतीय संघ पर शासन किया। मात्र 200 वर्षों के अंतराल में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय संघ गरीब हो गया और यूरोपीय संघ आर्थिक तौर पर समृद्ध हो गया। जो आर्थिक समृद्धि भारतीय संघ की थी 250-300 वर्ष पूर्व, 250-300 वर्ष के उपरांत वह आर्थिक सुदृढ़ता यूरोपीय संघ की हो गई। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी लगभग 75 वर्षों की यात्रा एवं भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के बावजूद भी आज भारतीय संघ गरीब ही है, बल्कि पहले से और भी गरीब हो गया है। राजनीतिक दल, नेता या समूह अमीर हो जाता है, लेकिन आम जनता एवं देश गरीब, बल्कि और गरीब हो जाता है। नोटबंदी, जीएसटी, देशबंदी जैसी घटनाओं और निर्णयों ने देश को सर्वांगीण बर्बादी की ओर ही धकेला है। इन सब के अतिरिक्त भी अगर हम पिछले 3-4 दशकों की बात करें तो थोड़े थोड़े समय के लिए भारतीय संघ को ऐसा लगा कि वह एक विकास पथ पर अग्रसर है, लेकिन वह विकास पथ कुछ ही समयों में अंधकार की ओर चला गया और देश पुनः एक ऐसी परिस्थिति या ऐसी अवस्था में तब्दील होने लगा जिसमें कि विकास दूर हो जाए और अवनति कहा जाए या परिस्थितियां गंभीर हो जाएं, सुलभ न हो, वैसी परिस्थितियों की ओर भारत अग्रसर होने लगा। और इसका परिणाम इस 3-4 घटनाओं के कारण और भी तीव्रता से हुआ है, जैसे नोटबंदी, जीएसटी और देशबंदी जैसी घटनाओं ने किया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक और आध्यात्मिक तौर पर यूरोपीय संघ से काफ़ी अग्रणी होने के बावजूद भारतीय संघ एक देश के अधीन हो गया, यानी ब्रिटेन के अधीन हो गया और पराधीनता का दंश भी झेला। भारतीय संघ और यूरोपीय संघ की आर्थिक स्थिति पिछले 200-250 वर्षों के दौरान बिल्कुल उलट हो चुकी है। आज भारतीय संघ से भारतीय अपनी आर्थिक हालत सुधारने हेतु यूरोपीय संघ के देशों का मुंह देखते हैं और किसी भी परिस्थिति में वहां जाने हेतु तत्पर रहते हैं। जो हालत यूरोपीय संघ के लोगों की 200-250-300 वर्षों पहले थी, वो आज भारतीय संघ के लोगों की है। परिचय के रूप में अगर हम इन दोनों संघों को समझने की कोशिश करें तो इसकी चर्चा इस रूप में हम कर सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद 1947 में भारतीय संघ की औपचारिक स्थापना हुई। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंतिम रूप दिया और फिर औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को संसद द्वारा अपनाया गया। तब से इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में भारतीय संघ में मनाया जाता है। भारतीय संघ 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक राज्य के नागरिक किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरित, निवास या काम कर सकते हैं। देश में कहीं भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी प्रतिबंध के बेचा, आपूर्ति और पेश किया जा सकता है। यूरोपीय संघ में भी कमोबेश यही स्थिति है, जैसा कि चर्चा से आपको स्पष्ट होगा या लगेगा। यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से तब स्थापित हुआ था जब मास्ट्रिक्ट संधि, जिसके मुख्य वास्तुकार हेलमुट कोल और फ्रैंकोई मित्रा थे, जो जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, और 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ। इस संधि ने ईईसी को यूरोपियन समुदाय का नाम दिया, यूरोपियन संघ का नाम दिया, और यहां तक कि इसे पहले भी इस तरह से संदर्भित किया गया था। संधि के उपरांत यूरोपीय संघ 27 सदस्यों देशों का एकीकृत व्यापार और मौद्रिक निकाय है। यह सदस्यों के बीच सभी सीमा नियंत्रण को समाप्त करता है, खुली सीमा माल और लोगों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देती है। पुलिस की जानकारी और अनुभव के आधार पर पुलिस जांच हो सकती है, जो सीमा जांच के समतुल्य बिल्कुल भी नहीं है। एक यूरोपीय संघ के देश में निर्मित किसी भी उत्पाद को टैरिफ या कर्तव्यों के बिना किसी अन्य सदस्य देशों में भेजा या बेचा जा सकता है। अधिकांश सेवाओं के व्यवसायी जैसे कानून, चिकित्सा, पर्यटन, बैंकिंग और बीमा सभी सदस्य देशों में अपनी व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं, प्रसारित प्रचारित भी कर सकते हैं।
इन दोनों संघों में अगर राजनीति या शासन की अगर बात की जाए तो भारतीय संघ वैश्विक बाजार में वास्तव में प्रतिस्पर्धी हो सकता है और कई मायने रखता है विश्व बाजार के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। केंद्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संविधान द्वारा शासित होते हैं, जो संघ राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से सभी तीन घटकों के लिए अलग अलग भूमिकाएं प्रदान करते हैं। भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूरोपीय संघ का उद्देश्य वैश्विक बाजार में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी होना है, साथ ही उसे अपने स्वतंत्र राजकोषीय और राजनीतिक सदस्यों की जरूरतों को भी संतुलित करना उनका उद्देश्य है। इनके 27 सदस्य हैं जो यूरोपीय संघ के देश हैं। इतिहास की अगर हम चर्चा करें या इतिहास पर प्रकाश डालना चाहें तो भारतीय संघ 1947 से पहले भारतीय संघ आज की तुलना में काफ़ी बड़ा था और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो यह दो देश बन गया, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ जब पश्चिमी पाकिस्तान के निवासियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की। चूंकि वहाँ की भाषा बंगाली थी, मातृभाषा बंगाली थी, तो उन्होंने बंगाली बोलने के आधार पर, मातृभाषा के आधार पर एक अन्य देश की मांग रखी और अंततः पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंटकर एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश के रूप में 1971 में अस्तित्व में आया। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत दुनिया में बहुत दूर दूर और नियंत्रित विशाल प्रदेशों में फैला था। धन, धर्म और शिक्षा के मामले में भारत दुनिया में काफ़ी अग्रणी था। दुनिया के अधिकांश देशों के नेता अपने धन और धर्म ग्रंथों के मामले में जीत हासिल करने, लूटने और वापस लाने के लिए भारत आना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में जो असीमित अकूत धन उपलब्ध है, जो भारत में धर्म ग्रंथ हैं, उनका कैसे अपने समाज के लिए लाभ लिया जा सकता है। इन चीज़ों को लूटने करने, हासिल करने या लूटने के लिए या इसे अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए लगातार भारत पर आक्रमण करते रहते थे। पिछले 1000 वर्षों के दौरान विदेशों से इस्लामी और ईसाई शासकों ने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि भारत को लूटा और कई लोगों में ने इनमें से कई लोगों ने इसे अपना घर भी बनाया और इस पर शासन भी किया। 1947 से भारत स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक देश है। 75 वर्षों से भी कम समय में देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अपने ही भारतीय शासकों के कारण भयानक और निराशावादी बन गई है। आज के भारतीय शासकों की निर्णय लेने की क्षमता या जिस प्रकार का निर्णय भारतीय शासकों ने ही लिया है पिछले 75 वर्षों के दौरान, आज ये हालत हो गई है कि भारतीय संघ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं पहले से कमज़ोर प्रतीत होता है। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो 1993 में मैस्ट्रिक की संधि ने यूरोपीय संघ के साझा बाजार की स्थापना की थी। दो साल बाद यूरोपीय संघ ने ऑस्ट्रिया, स्वीडन और फिनलैंड को जोड़ा। 2004 में 12 और देश शामिल हुए। बुल्गारिया और रोमानिया 2007 में शामिल हुए। 2009 में लिस्बन की संधि ने यूरोपीय संसद की शक्तियों में वृद्धि की। इसने यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करने और हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार दे दिया। इसने यूरोपीय संघ की शक्तियों, सीमा नियंत्रण, आव्रजन, नागरिक और आपराधिक मामलों में न्यायिक सहयोग और पुलिस सहयोग में आपस में वृद्धि भी की। इसने एक यूरोपीय संविधान के विचार को छोड़ दिया और यूरोपीय कानून अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा स्थापित है। जितने भी यूरोपीय कानून हैं या यूरोपीय अधिनियम हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा स्थापित हैं, मानक हैं, उनकी मान्यता है। अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए, जो कि किसी भी देश की या समाज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था से ही पता चलता है कि वहाँ के रहने वाले लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, कैसी जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। भारतीय संघ की GDP 2018 में 2.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कृषि, सेवा और IT ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। भारतीय संघ दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या 1370 मिलियन, या अगर भारतीय पद्धति में बात करें तो 137 करोड़, या अगर अंग्रेजी की ही एक और परिभाषा दें तो 1.37 बिलियन है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो भारतीय संघ सातवां
सबसे बड़ा देश है जिसकी जन जिसका जिसका जिसकी जिसका क्षेत्रफल 3.287 वर्ग किलोमीटर है। यूरोपीय संघ का क्षेत्रफल 4.486 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल में छठवां सबसे बड़ा है, और यहाँ की जनसंख्या 448 मिलियन लोग हैं यहाँ पर। और यदि हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो यूरोपियन संघ और यूरोपीय संघ जो है यह 5वीं सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ा संघ है या देश है, अगर हम किसी की भी बात करें। लेकिन वस्तुतः यदि हम बात करें और यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें, इसकी व्यापार संरचना ने इसे चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि यह दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम यूरोपीय संघ की बात करें, 2008 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि चीन जो पहले स्थान पर है विश्व की अर्थव्यवस्था में, चीन की अर्थव्यवस्था या चीन की जीडीपी वो 25.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2018 में था। यह मापक या माप प्रत्येक देश के जीवन स्तर के बीच विसंगति के लिए क्रय समिति शक्ति क्षमता का या क्षमता का उपयोग बताता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी में तीसरे स्थान पर था, जिसे जो लगभग लगभग 20.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2018 की गणना के आधार पर यह सारे तथ्य या यह सारी रियलिटीज़ हैं या स्टोरीज हैं या ट्रुथ हैं या सत्य हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें। एक और जो चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण बनती है वो यह कि 200-250 वर्ष पूर्व भारतीय संघ की जीडीपी पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 25 से 30% थी, लेकिन आज यह लगभग लगभग 1% है या इससे भी कम है। और अगर यूरोपीय संघ की जीडीपी की बात की जाए तो 250-300 वर्षों पूर्व यूरोपीय संघ की जीडीपी जो आज भारतीय संघ की जीडीपी है वो हुआ करती थी बहुत ही कम, और आज जो भारतीय यूरोपीय संघ की जीडीपी है वो लगभग 18-20% के आसपास है। जो भारतीय संघ की जीडीपी होती थी आज से करीब 250-300 वर्षों पूर्व, यदि अगर कहा जाए, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बल्कि यह एक सच्चाई है कि भारतीय संघ की जीडीपी और यूरोपीय संघ की जीडीपी ने बिल्कुल उल्ट अल्टा पलटी कर ली है, एक दूसरे का स्थान ले लिया है। यदि हम 200-250 वर्षों की बात करें, भारतीय संघ और यूरोपीय संघ एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए सुदृढ़ता प्रदान करने वाले हो सकते हैं यदि मिलकर काम करें या अपने अपने रिसोर्सेस को अपने अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करें। मुद्रा की अगर बात करें या मुद्रा के चलन की बात करें तो भारतीय संघ में की मुद्रा को भारतीय रुपया कहा जाता है, और इसका मूल्य निश्चित विनिमय दर के बजाय मुक्त फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग जिसे कहते हैं है, और इसे दैनिक रूपांतरण दर के आधार पर अमेरिकी डॉलर में कारोबार किया जाता है। यूरो यूरोपीय संघ के क्षेत्र के लिए आम मुद्रा है। यह अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया में दूसरी सबसे अधिक आयोजित या उपयोग में की लाई जाने वाली मुद्रा है। यूरो का मूल्य एक निश्चित विनिमय दर के बजाय मुक्त फ्लोटिंग है, अस्थायी है, फ्री फ्लोटिंग है। परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा व्यापारी प्रत्येक दिन इसका मूल्य निर्धारित करते हैं। साथियों, यदि हम दोनों संघों की अगर हम बात करें, भारतीय संघ और यूरोपीय संघ की बात करें, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। भारतीय संघ अपने आप में आत्मनिर्भर संघ हो सकता है, बल्कि है। भारतीय संघ अपने आप में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली संघ इस रूप में है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था छोटे छोटे स्तरों पर भी काफी सफलतापूर्वक कार्य करती है। यूरोपीय संघ की भी यह एक एक ताकत है, अंतर्निहित शक्ति है। वहाँ की भी अर्थव्यवस्था आपस में आप छोटे छोटे देशों के आधार पर एक दूसरे अपने लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। और यदि भारतीय संघ और यूरोपीय संघ अपनी अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को शक्तियों को पहचान कर अगर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित निर्णयों और कार्यों और निर्देशों का यदि को लागू करें पालन करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय संघ अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जब इसकी जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी में अर्थव्यवस्था के जीडीपी में लगभग 25 से 30% होती थी। यूरोपीय संघ भी निश्चित तौर पर अपनी जीडीपी को मेंटेन कर सकता है या स्थायित्व तो प्रदान किए रह सकता है। भारतीय संघ की जीडीपी मजबूत होने का अर्थ यह होता है, चूंकि भारत की के धर्म ग्रंथों की एक परंपरा है, एक विचारधारा है,
वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि एंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। और जब आपकी विचारधारा ऐसी हो जिसमें आप कहते हो कि वसुधैव कुटुंबकम, तो निश्चित तौर पर आपके पास जो है उसका लाभ पूरे विश्व को हो सकता है या पूरे विश्व को होता है। और इसलिए यह अति आवश्यक है कि भारतीय संघ अपनी पुरानी शक्तियों को पुनः प्राप्त करे, भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य इतना मजबूत बन सके, इतना शक्तिशाली बन सके कि इसका लाभ न केवल भारत को, भारतीय संघ को और भारतीयों को मिले, बल्कि पूरे विश्व की जनसंख्या को भी मिल सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस चर्चा को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस संदेश के साथ कि हम सब का भविष्य उज्जवल हो, हम सभी भविष्य की ओर सकारात्मक रूप से तरक्की कर सकें, प्रगति कर सकें, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।